ना सुन सुन सुन, तू ऊपर आराम से सो जा, मैं नीचे सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। सागर ये मत भूलो भाभी कि अगर मैं फंसा ना तो तुम भी नहीं बचोगी। सागर और गंगा साथ नहीं हो सकते, उन्हें अलग होना ही होगा हमेशा के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई माधवी, और तुमने मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। अगर ये MMS नहीं मिलता मुझे तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। गंगा कहाँ है? माधवी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ है गंगा? मैंने भेजा उसे घर से। जो उसने काम किया है उसके बाद इस घर में नहीं रह सकती है। आपने निकाल दिया उसे? कहाँ गई वो आश्रम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है गंगा? सागर को पता है। उसी के साथ हो। लल्ला उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। मेरे खानदान की नाक कटा दी लल्ला। कल यहाँ से जाने के बाद किसी होटल में चेक इन किया था उन दोनों ने। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था सागर के सर पर। कहने लगा अगर गंगा यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। सागर ने ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? यही ना कि निरंजन चतुर्वेदी का बेटा बिल्कुल अपने बाप जैसा है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। नाज है मुझे अपने बेटे पर, कैसे मुसीबत के वक्त में उसने गंगा का साथ दिया। दैट्स लाइक माई सन। गंगा कहाँ हो तुम? मुझे अभी एड्रेस भेज दो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। सागर और गंगा से मिलने जा रहा हूं मैं। अंकल मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब लल्ला को ले आए, चाहे वो जितना भी जिद क्यों ना करे उसको लेके आना। सब रात भर इतनी टेंशन में थे, बार बार कॉल करते रहे लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। थैंक गॉड, बेड को देखकर नहीं लगता कि कोई सोया था। किसने किया वो सब? यश। इट वॉज हिम पापा। उसने गंगा के साथ पहले भी जबरदस्ती करने की कोशिश की थी तो मैं अचानक वहां पहुंच गया था, वरना। यश मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे ही फैमिली के बच्चे ने ऐसी। अब क्या करना चाहते हो तुम? पापा गंगा के माथे से यह दाग हटाना चाहता हूं। इनोसेंट साबित करने के बाद ही मैं घर वापस लौटूंगा। तो यश को अरेस्ट करवाओ, FIR दर्ज करवाओ, उसके खिलाफ केस फाइल करो। ओह नो, आखिर बात पुलिस और कोर्ट तक गई, तब तो यश जरूर मेरा नाम लेकर मुझे भी फंसा देगा। ये मत भूलो भाभी कि अगर मैं फंसा ना
तो तुम भी नहीं बचोगी। बोलो, क्या तुम दोनों ये कर पाओगे? ये करने की हिम्मत है तुम में? सोच लो गंगा, आसान नहीं होगा ये सब। इंसाफ की लड़ाई में अक्सर औरतों और लड़कियों पर छींटाकशी की जाती है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें सुनकर इंसान शर्म से गड़ जाए। वही सब चीज बार बार दोहराई जाती है। सह सकूंगी ये सब? हम तैयार हैं बाबू, हम सब कुछ सह लेंगे, सारे जमाने से लड़ लेंगे। किरणों का विश्वास हमारे साथ। अंकल, हम सब गंगा पे ट्रस्ट करते हैं। हम जानते हैं कि गंगा ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? यश भी तो अपनी फैमिली का ही है ना। So what? सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तो गंगा को न्याय दिलवाना चाहते हो वकील साहब? तो ये समझ लो कि यही तुम्हारा पहला केस है। नहीं सागर, ऐसे नहीं कर सकता। आई मीन सागर तो कल लंदन जा रहा है ना, ज्वाइन करना इसे, है ना? बोलो सागर, गंगा का केस लड़ोगे या नहीं? हाँ मैं चाहता तू, लेकिन मेरी जॉब। अभी तो इंसाफ के खिलाफ लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तुम पीछे हट गए। कोई बात नहीं गंगा, तुम चिंता मत करो। मुझे अफसोस है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त तुम्हारे बचपन का साथी तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई तुम अकेले लड़ सकती हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। गंगा घर चलो। नहीं पापा प्लीज, गंगा घर नहीं जाएगी। पापा, ने उसकी बहुत इंसल्ट की है। इस केस को जीतने के बाद ही अब गंगा उस घर में कदम रखेगी और मैं भी। लेकिन तुम तो कल लंदन जा रहे हो। मैं बाहर वेट कर रहा हूं, घर नहीं जाना है। कोई बात नहीं, तुम दोनों राघव जी के यहां चलो, जल्दी आ जाओ। इतना अच्छा चांस मिस नहीं कर सकते। तुम्हारी करियर तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। आई नो तुम्हें गंगा की फिक्र है, मुझे भी है, लेकिन सागर अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। बोलो ना सागर, क्या सोच रहे हो? लंदन चलोगे ना? गंगा और सागर को आप यहीं छोड़ सकता हूं मैं राघव जी, उनके रहने का इंतजाम करवा दीजिए। हाँ जानती हूँ गंगा, तुम सागर से प्यार करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सागर का बुरा कभी नहीं चाहोगे। क्या मतलब ऐसी बातों का? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया सारी बातें भुलाकर इस समय ना सिर्फ और सिर्फ सागर के बारे में सोचो। हो सकता है कि इमोशनल होकर सागर तुम्हारा केस लड़ने के लिए यही रुक जाए। अगर ऐसा हुआ ना गंगा, तो
सागर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमने कहा था ना गंगा कि प्यार का दूसरा नाम त्याग होता है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? सिर्फ तुम ही सागर को लंदन वापस जाने के लिए कन्विंस कर सकती हो। प्लीज गंगा, यही समझ लो कि तुम्हारी प्यार की परीक्षा है। क्या तुम अपने मतलब के लिए सागर की जिंदगी बर्बाद कर दोगी? लग तो रहा है कि तीर निशाने पर लगा है। ओह नो, यश वहां क्या करने गया है? दीदी, अम्मा जी, इसकी शक्ल देखो, कितनी बुरी तरह से मारा है इसको। ये देखो, ऐसे कोई मारता है क्या? आपको क्या लगता है कि आपका भतीजा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है? बोलिए बोलिए ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मा जी देखिए देखिए कितना मासूम है वो गंगा। गंगा बिना किसी कारण किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। वो झूठ क्यों बोलेगी? झूठ क्यों बोलेगी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब कि मैं झूठी हूँ? मेरा बेटा झूठा है? हाँ, वाह अम्मा जी वाह, ये कल की आई हुई बहू मुझे बताएगी कौन सच्चा और कौन झूठा है। क्या बिगाड़े मेरे प्रिंस ने तुम दोनों का? तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हो? अम्मा जी, मैंने ना अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो विधवा मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी, इसने उसको कोई भाव नहीं दिया, इसलिए अम्मा जी सोचिए, अगर मेरा यश गलत होता तो क्या वो इधर आता? क्या वो बनारस छोड़ के भाग नहीं जाता? आप लोगों के लिए वो पराई लड़की ही सब कुछ है, मेरी इस घर में रत्ती भर इज्जत नहीं। चल, क्या हो रहा है? ऐसी शर्मनाक हरकत की तुमने, वो भी गंगा के साथ? उपा जी, मैं शट अप। नीरू, आपने मेरे बच्चे को मारा क्यों? क्या सबूत है कि मेरा प्रिंस गलत है? क्या सबूत है कि जो वो गंगा बोल रही है वो सही है? गंगा की बातों से बढ़कर और कोई सबूत नहीं है मेरे लिए। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया फूफा जी, ये काम किसी और का भी तो हो सकता है। मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है गंगा से। जरूर जरूर किसी ने बदला लिया होगा। तो सजा से बचने के लिए अपने गुनाह का इल्जाम किसी और पर डाल रहे हो? नहीं फूफा जी, वो एमएलए श्रीवास्तव, पक्का ये काम उसी ने किया होगा। गंगा ने उसे जेल भिजवाया था ना, और उसकी बेटी सलोनी को भगा के भी ले आई थी उसकी शादी तुड़वाने के लिए। पक्का ये बकैती उसी ने की है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? प्रूफ तो यश, शायद तुम गंगा को जानते नहीं।
अपने इरादों की बहुत पक्की है वो, एक बार जो ठान लेती है वो करके रहती है। हिम्मत की कमी नहीं है गंगा में। सोच लो अगर तुम गुनहगार हो तो क्या हाल होगा तुम्हारा। नंदोई जी भी हमारी बेइज्जती करके चले गए। आप कुछ नहीं बोली। अब आप अगर मुझे बुलाएंगी भी तो मैं वापस नहीं आने वाली। चल बेटा के मौत ऐसे दाग हटाना चाहता, इसे इनोसेंट साबित करने के बाद ही मैं घर वापस लौटूंगा। हो सकता है कि इमोशनल होकर सागर तुम्हारा केस लड़ने के लिए यही रुक जाए। अगर ऐसा हुआ ना गंगा, तो सागर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गंगा, क्या हुआ, क्या सोच रही है? सच बताएं? भाभी, फिर कभी ऐसे डराए ना मुझे, पल के लिए। अकल इतनी क्लास थी तुम्हारी, फिर भी आ गए तुम। किसी ने देख लिया तो? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। गुस्से में तुम और भी पटाखा लगती हो। यू कहा था ना मैंने कि मुझसे बकैती करने की कोशिश भी मत करना। अब बोलो, मेरे झूठ बोलने की कितनी रकम दे रही हो मुझे? आज तो मैंने तुम्हारी जगह उस एमएलए का नाम ले लिया, लेकिन कल तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल भी सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकता हूँ भाभी। अभी मेरी रंगबाजी तुमने देखी का? तुम सोच भी नहीं सकती भाभी कि तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं मैं। मैं पैसों से तुम्हारा मुंह भर दूंगी। बस तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगे। और तुम्हें भी किसी केस वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पुलिस, कचहरी, कोर्ट सबके हथकंडे मुझे आते हैं, सब संभाल लूंगा। तुम बस मुझसे डरो और इसी तरह से मेरा मुंह पैसों से भरती रहना। कंगना, ये क्या है? चलो सागर। कंगना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैंने कहा ना मुझे मुझे घर वापस नहीं जाना है। उतर यहां से। सागर, तुझे क्या हुआ? तू भूल गई है दादी ने तेरे साथ कैसे बिहेव किया था? वहां मम्मी भी चुप खड़ी थी, इसका मतलब उन्हें भी तुझ पर भरोसा नहीं है। सागर, मारी बात मानो, चलो। कंगना, नहीं, क्या हो गया तुझे? तू उस घर में वापस जाना चाहती है जहां से लोगों ने तुझे निकाल दिया था? कहां गया तेरा स्वाभिमान? इतनी आसानी से तू सब कुछ भूल गई? हम कुछ नहीं भूले हैं सागर, ना अपनी बेइज्जती ना तिरस्कार। हम घर वापस नहीं जा रहे, तुम जा रहे हो। मैं? मैं घर वापस नहीं जा सकता हूँ। हाँ सागर, कल तुम्हें लंदन जाना है ना। What?
अंदर जाओ, अपना सामान समेटो। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे कारण अपना भविष्य, अपना करियर सब खराब कर लो। मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं। तुझे ऐसे अकेला छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा अभी इस वक्त? आप अकेले नहीं है सागर, बाबू है ना हमारे साथ। तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही काफी है। प्लीज सागर, और कुछ मत कहना। अगर हमारे लिए, हमारी दोस्ती के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज लंदन चले जाओ। तो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे घर नहीं जाना। मैं सागर, तुझे नहीं छोड़। तुम जानते हो ना हम बहुत स्वाभिमानी हैं, तो ये भी जान लो हमारा ये रिश्ता स्वाभिमान है हमारा। हम नहीं चाहते कि कल को कोई ये कहे कि गंगा इतनी स्वार्थी हो गई कि उसने सागर की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, उसका करियर, उसका भविष्य सब खराब कर दिया। प्लीज सागर, हमारे इस रिश्ते का मान रख लो, लंदन वापस चले जाओ सागर। प्लीज सागर, प्लीज मुझे कहीं नहीं जाना है। सागर हमारी बात मान। नहीं सागर, प्लीज तुम अब प्लीज सागर प्लीज। नहीं मुझे नहीं जाना। ओ गंगा, कितनी स्टूपिड हो तुम। तुम्हारे जैसे इमोशनल लोगों को बेवकूफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने तो आंसू क्या बहा दिए, तुम तो मछली की तरह मेरे जाल में फंस गए। किस्मत का खेल है गंगा, कभी सागर को मेरे साथ देखकर तुम्हें तकलीफ होती थी और आज तुम खुद सागर को मेरे हवाले करने आई हो।